सो गाइज, आपके स्मार्टफोन बहुत सी सेटिंग होती है, कुछ को आपको ऑन करना होता है, कुछ को ऑफ करना होता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेटिंग्स जिनको आपको ऑफ भी रखना होता है और कुछ ऐसे सेटिंग है जिनको आपको ऑन रखना होता है। तो गाइज, चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। उससे पहले जानिए, मेरा नाम योगेश मेघवाल, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल योगेश टेक, नो ड्रामा नो क्लिकबैट ऑन टेक। तो गाइज, चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे कि आपको कौन कौन सेटिंग को ऑन रखना चाहिए और कौन सेटिंग को ऑफ रखना चाहिए। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है भाई, उसे दबाओ और पास में घंटे का ऑप्शन भी, उसे भी ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले सेटिंग की बात करते हैं, तो वो है सिम कार्ड लॉक। तो आपको अपने सिम कार्ड लॉक को ऑन रखना चाहिए, मतलब कि आपका जो सिम कार्ड है वो आपके बैंक से भी लिंक है, आपके जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उनसे लिंक है, आपके फोन पे से पेटीएम से सभी से वो लिंक है। तो आप ऐसे में अपने सिम कार्ड को लॉक रखें ताकि आपका कोई फोन कभी खो भी जाए तो अगला बंदा उसका मिसयूज ना कर सके। अगर आपका फोन किसी को मिलता है तो वो आपके फोन से मिसयूज नहीं कर पाएगा आपकी सिम का। तो वो जैसे ही फोन को स्विच ऑन करता है तो गाइस वहाँ पे आपकी सिम को एक्टिव करने के लिए जो पासवर्ड डाले आपने वो लगाने पड़ेंगे, तभी आपका सिम कार्ड ऑन होगा। तो आप ऐसे में अपने सिम कार्ड को लॉक रखें, आप सेटिंग में जाके लॉक लगा सकते हैं। आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है ये, तो आपको ऐसा करना चाहिए, अपने सिम कार्ड को लॉक रखना चाहिए। अगर किसी को आपका फोन मिल जाता है और वो लॉक लगा लगा के मतलब 10 बार पासवर्ड लगा लेता है तो 10वीं बार में वो सिम कार्ड लॉक हो जाएगी और वो कस्टमर केयर के द्वारा कुछ OTP बताया जाता है, उनके द्वारा खुलेगी। तो ऐसे में आप अपने सिम कार्ड को लॉक रखें। तो गाइस, अभी बात करता हूँ यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की। तो गाइस, आपको यहाँ पे गूगल सिंक का ऑप्शन मिलता है, तो आपको गूगल सिंक में भी बहुत से अकाउंट है जिनको आपको ऑफ रखना चाहिए। मैं बताता हूँ, दो ऑप्शन आपको ऑन रखने, एक तो होता है हमारे जीमेल का और एक होता है कॉन्टेक्ट का। तो गाइस, वो वाला बटन आपको दोनों ऑन रखने और बाकी के जो भी ऑन है उनको ऑफ कर दे। आप सेटिंग्स में जाके सिंपली ऐसा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन थर्ड पॉइंट की। तो गाइस, ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में मुझे ना बोलना कि आपने बताया नहीं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड, उसको आप ऑन कर दे और पास में घंटे का ऑप्शन में उसे भी ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे हमारी वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने बटन को ऑफ रखा तो आपको ऐसी टेक्निकल वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आप ही गलती होगी। तो नीचे जाइए अभी और बटन को दबाइए, पास में घंटे का ऑप्शन में उसे भी दबाइए, तो हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपने नहीं किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, आपकी गलती होगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की। तो गाइज, आपको ये सेटिंग ऑन ही रखनी है हमेशा के लिए। तो गाइज, ये अगर ऑफ भी हो आपके फोन में तो इसको अभी जाके ऑन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है क्योंकि ये सेटिंग आपके फोन की लोकेशन को बताता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फाइंड माई फोन, तो इसको आपको हमेशा के लिए ऑन ही रखना है। अगर आपके स्मार्टफोन में ऑफ है तो अभी जाइए इसको ऑन कीजिए, इसका फायदा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अभी रुकिए जरा, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमें नेक्स्ट स्टेप की। तो गाइज, आपने बहुत से एप्लीकेशन को परमिशन दे रखी है, बहुत से फालतू के ऐप है जो आपसे परमिशन लेके बैठे अपने फोन में, तो आप को उनको ऑफ कर देना है। क्योंकि वो क्या होता है, वो आपके फोन से डाटा चोरते हैं और वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, मतलब स्टोर करते हैं। आपके फोन में बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनको आपके कॉन्टेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो आपके कॉन्टेक्ट की परमिशन लेके बैठे हैं। तो अभी उन एप्स को वो रिमूव करें, मतलब जो आपने परमिशन दी है उसको अभी की अभी हटाइए। तो अभी जाइए और उस परमिशन को ऑफ करिए, वरना आपके लिए खतरा हो सकता है, बाद में मुझे मत बोलना कि आपने बताया नहीं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग की। तो गाइज, यहाँ पे सेटिंग है फाइंड माई डिवाइस, तो इसको आपको हमेशा के लिए ऑन ही रखना है। आप सेटिंग्स में जाके सिंपली इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आप हमेशा के लिए ऑन ही रखें। जो मैंने पहले बताया था फाइंड माई फोन, उसका ही एक दूसरा रूप है ये, तो आपको इसको हमेशा के लिए ऑन रखना है। क्योंकि अगर आपका फोन कहीं पे खो जाता है तो लास्ट स्टेप पर आपका जहाँ पर डाटा ऑन था वहाँ पर आपको लास्ट लोकेशन बता दी जाती है इस एप्लीकेशन के द्वारा। एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर फाइंड माई डिवाइस, उस एप्लीकेशन में आपको अपनी ईमेल लगानी होती है, पासवर्ड लगाइए और वहाँ से आप इसको साइन इन करके वहाँ से आप अपने फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, तो इसको आप अभी की अभी ऑन करें, वरना बाद में मुझे मत बोलना कि आपने बताया नहीं। तो मैंने अभी बता दिया है, तो अभी आप ऑन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। भाई यार, क्या कर रहे हो आप, वीडियो को लाइक नहीं करते यार आप। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग की। तो गाइस, आपने बहुत से एप्लीकेशनों को नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर रखा है, तो उसको अभी जाके ऑफ कीजिए। मतलब जो आपकी नोटिफिकेशन आती है भाई ऊपर से भरा ही रहता है, तो आपकी जो ऐसी एप्लीकेशन है जिनको आप नहीं देखना चाहते, मतलब उनकी जो नोटिफिकेशन आती है उनको आप नहीं देखना चाहते, उनको आप ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाइए, वहाँ से आप नोटिफिकेशन बार पे क्लिक करें और वहां से आप इन सभी को ऑफ कर सकते हैं। जिनकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए उन एप्लीकेशन की आप ऑन रख सकते हैं,
तो अभी जाइए सेटिंग्स में, वहां से अभी के अभी करें। तो गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की, और ये लास्ट भी है। आप इस स्टेप के जरिए आप अपने फोन से दो काम कर सकते हैं, मतलब एक तीर से दो निशाने। मैं बोलता हूँ कि आपके फोन में डार्क मोड का तो ऑप्शन होता ही होगा, उसको आप ऑन रखिए, क्योंकि आपके तो आंखों पर इफेक्ट नहीं पड़ता और एक आपके फोन की बैटरी भी ज्यादा चलती है। तो आप डार्क मोड को ऑन कर दें तो आपकी आंखें भी कम खराब होगी और आपका फोन भी ज्यादा चलेगा। तो आप इसको अभी के अभी ऑन करें। तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भाई, ध्यान से दिल से लाइक करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई, नीचे जाइए, नीचे रेड रंग का बटन है उसे दबाओ, और पास में घंटे का ऑप्शन भी है उसे भी ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहीं से अभी के अभी मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।